दोस्तों सुपरटेट 2022 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छी बेस्ट गाइड बुक आ चुकी है। ये बुक आप लोग देख सकते हैं, सामने इसका कवर पेज है, बिल्कुल नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है और संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार ये स्टडी गाइड बुक तैयार की गई है। इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और सारे टॉपिक यहाँ पर आपको कवर देखने को मिल जाएंगे। इस बुक में आपको जैसे ही खोलेंगे बुक को तो आपको यहाँ पर पूरा यहाँ सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको एक बहुत ही अच्छा चार्ट मिलेगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न किस वर्ष पूछे गए थे। इससे एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। ये आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विषय सूची तैयार की गई है। इसमें आपको सारे चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, सारे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस हाल प्रश्न पत्र भी आपको यहाँ पर देखने को। सुपर टेट गाइड बुक के साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की सुपर टेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों बुक आपको मार्केट में और ऑनलाइन इजीली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यूपी एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का एक लंबा इंतजार समाप्त हुआ। दोस्तों बहुत दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में बहुत सारे छात्र तो तैयारी भी छोड़ चुके थे, लेकिन दोस्तों फाइनली यूपी एसआई का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तीन चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तीन चरण में परीक्षाएँ आयोजित हो रही है, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा परीक्षा किस चरण में पढ़ रहा है, किस तिथि को पढ़ रहा है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरी ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिस और किस डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, एडमिट कार्ड कब आएगा, पूरी जानकारी यहां पर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो और यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो तो कल से हमारे चैनल पर यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी। वीडियोज छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मूल विधि वगैरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने संभावित हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सभी यूपीएसआई के छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। यहां पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रतिनिधि बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों अभी भी थोड़ी देर पहले 1 नवंबर 2021 को यह नोटिस जारी किया गया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर पदों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में यहां पर आप लोग देख सकते हैं उक्त भर्ती हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोर्ड द्वारा दिनांक 12/11/2021 से 2/12/2021 तक तीन चरणों में उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों के कुल 92 परीक्षा केंद्रों पर तीन पालियों में 9 बजे से 11 बजे तक, 12:30 से 3:30 तक। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं 4 बजे से 6 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9534 पद यानी यूपीएसआई वाली वैकेंसी की बात की जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फेज वन जो चलेगा वो 12 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक होगा, तीन बैच यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद फेज टू में 19 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक परीक्षा होगी और फेज थ्री में 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक परीक्षा चलेगी। यानी ये परीक्षा चलने वाला है 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी, तीन चरणों में होगी, तीन तीन शिफ्ट यहाँ पर चलेंगे, पेपर होगा, ठीक है। यदि किसी तकनीकी समस्या के कारण किसी परीक्षा तिथि पाली में किसी केंद्र विशेष पर परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी तो ऐसे केंद्र की परीक्षा दिनांक 3/12/2021 को आयोजित की जाएगी। यानी अगर किसी कारणवश किसी सेंटर पर एग्जाम कराने में असमर्थ रहे तो वो परीक्षा जो है 3 दिसंबर को करा दी जाएगी। 2 दिसंबर को खत्म होने तीसरे दिन करा, उसके आखिरी दिन के बाद में एक दिन बाद करा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर तीन चरणों में जब आपको बताया गया है तो यहाँ पर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका कौन से फेज में आया परीक्षा है, ठीक है। जैसे SSC वगैरह का होता है ना, उसी तरीके से इस बार होगा ये, तो आपको तब पता चलेगा। अब देखिए फायदा इसमें सेकंड और थर्ड फेज वालों को हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर फेज वन का जो 4-5 दिन पेपर होगा उसका आपको एनालिसिस मिल जाएगा, कैसे पेपर आ रहा है, क्या क्वेश्चन आया था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा अनुमान मिल जाएगा और आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो 8-10 दिन जो आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। जिनका लास्ट में उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत सारे पेपर्स वो एनालाइज कर लेंगे जो पेपर हुए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से फेज में पेपर देना है, किस डेट को आपकी परीक्षा है। तो एडमिट कार्ड सबको पता है 10 दिन पहले आता है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों, 1-2 दिन के अंदर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, सभी अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में सूचना की PDF फाइल भारतीय बोर्ड की वेबसाइट 3 दिसंबर में प्रदर्शित की जाएगी।
3 दिवस में प्रदर्शित की जाएगी। आगे देखिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद नगर की सूचना परीक्षा की तिथि से 10 दिवस यानी 10 दिन पहले जनपद में परीक्षा केंद्र के नाम पता की सूचना 3 दिवस यानी 3 दिन के पूर्व भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली ये नोटिस जारी की जा चुकी है, तैयारी में जुट जाइए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, तभी सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी UPSI की तो प्रैक्टिस सेट करिए, वहाँ पर पूरा कवर होगा। प्रैक्टिस सेट मैं खुद कराऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी पब्लिकेशन बुक है उससे करवाऊंगा, घटना चक टो सीरीज वगैरह से करवाऊंगा, पूरा कवर कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार कमेंट में जरूर लिखना जी हाँ सर प्रैक्टिस सेट जरूर करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर।